हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर का। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नॉट एग्जैक्टली गेम, काफ़ी दिनों से मुझसे ओलम्पियाड ऑनलाइन जो chess.com पर खेला जा रहा है उसकी काफ़ी गेम्स को कवर करने के लिए काफ़ी साथियों ने बोला है। फ्रेंड्स, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उन गेम्स को कवर नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे डीजे बॉस जी ने कहा कि कम से कम हरे कृष्ण 45 की गेम के ऊपर तो वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज एक गेम आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ, ये हरे कृष्ण 45 ने नोदिर बेक यकू बे बोएव के साथ खेली थी। काफी डिफिकल्ट नाम है फ्रेंड्स, नोदिर बेक यूगोस्लाविया के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा और सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह के टैक्टिकल टसल दोनों खिलाड़ियों में चली है। नोदिर बेक ने यहाँ d4 के साथ शुरू किया, तो d5 यहाँ हरे कृष्ण ने शुरू किया, c4 देन c6, नाइट f3 स्क्वायर पर, देन नाइट f6, बिशप b5, स्लाव डिफेंस में गेम ट्रांसपोज हो चुकी है, बिशप f5, नाइट c3, देन e6, नाइट h4, तो बिशप पर यहाँ अटैक तो बना है, तो ये बिशप गया e4 स्क्वायर पर, देन f3, इस बिशप को तो वाइट को लेना ही है, बिशप गया g6 स्क्वायर पर, देन क्वीन b3, और यहाँ डायरेक्टली इस b7 पॉन पर अटैक है, तो ऑब्वियस मूव है ब्लैक का कि वो अपने क्वीन से इसका डिफेंस करेगा, बिशप d2, देन बिशप e7, नाइट टेक्स g6, एच टेक्स g6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने बहुत ही जल्दी कैसल किया, वो भी लॉन्ग साइड, और लॉन्ग साइड कैसल करने के बाद यहाँ हरे कृष्ण को मौका मिला डी टेक सी फोर करने का। एक टेम्पो गेन के साथ यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को डेवलप किया, बिशप टेक सी फोर, लेकिन यहाँ b5 करके वापस उसी बिशप पर अटैक पहले यहाँ ब्लैक ने बनाया, तो बिशप गया d3 स्क्वायर पर, देन a6, माइट बी शायद हो सकता है लेकिन बहुत देर है, a4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन नाइट बी गोज टू d7, अपने पीसेस को बाहर डेवलप करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किंग गया b1 स्क्वायर पर, देन इसके बाद यहाँ हरे कृष्ण को मौका मिला कैसल करने का, ठीक है, h5 ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा अटैक यहाँ पॉन डबल है फाइल में, तो इतना स्ट्रांग अटैक शायद, रुक c1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और अपने रुक को पहले सीधा हरे कृष्ण की कोने के सामने लगाया, देन c5, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है यहाँ, अगर मिडिल एक्सचेंज होता है तो क्वीन और उसके साथ साथ बिशप पर अटैक बनता है, a takes b5, a takes b5, knight takes b5, और ऐसा करके यहाँ ब्लैक को अपना एक पॉन गंवाना पड़ा, नाइट पर अटैक बनाया तो नाइट, वो सॉरी क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन गई b7 स्क्वायर पर, देन किंग गया c2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये किंग c2 स्क्वायर पर नॉट एग्जैक्टली माइट भी कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट है, ऐसे कोई खास मुझे लगता नहीं, रुक अटैक टू b8, और यहाँ इस नाइट पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, नाइट कुछ देर के लिए तो फिर हो ही चुका है, और अब नदर बेक यहाँ क्या करें, रुक को a1 स्क्वायर पर ले आए और ए फाइल पर कब्जा जमा करा के गेम को बढ़ाए। यहाँ नदर बेक ने किंग को d1 स्क्वायर पर प्लेस किया e5, और यहाँ हरे कृष्ण की कोशिश है कि कैसे भी करके सेंटर के पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए, नाइट से क्वीन पर अटैक बनाया जाए माइट भी, और अगर ऐसा होता है तो क्लियरली यहाँ ब्लैक फाइनल होगा, लेकिन क्वीन a2, पहले यहाँ अपने इस क्वीन की एग्जैक्टली कह सकते हैं नाइट के पिन को खत्म किया, क्वीन को मूव करके e4 बिशप पर अटैक है, तो अब क्या हुआ, बिशप हटाया पहले यहाँ नदर बेक ने, e takes f3, g takes f3, देन क्वीन c6, और यहाँ क्लियरली थ्रेट है यहाँ इस नाइट को लेने की, नाइट गया c3 स्क्वायर पर, दैट्स ओके, और शायद अब रिक्शन को अपने रुक को मूव करके वापस क्वीन पर अटैक, क्वीन पर ही अटैक बनेगा और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ हरे कृष्ण ने पहले किया c takes d4, और ऐसा करने के बाद यहाँ व्हाइट को मौका मिला अपने रुक से क्वीन पर अटैक बनाने का, तो ये नाइट गया वापस d5 स्क्वायर पर, पहले क्वीन को हटना होगा, लेकिन बिशप c5 अपने बिशप से इस रुक को कुछ देर के लिए रोका है, तो पॉन एक्सचेंज हो सकते थे, e takes d4 होना ही है, लेकिन हरे कृष्ण की प्लानिंग थोड़ी दूसरी है, उन्होंने यहाँ किया rook takes b5, और दो पीसेस को लिया, bishop takes b5, queen takes f3, एक्सचेंज डाउन यहाँ ब्लैक ऑलरेडी हो चुका है, किंग गया c2 स्क्वायर पर, देन bishop takes d4, queen a3 स्क्वायर पर, शायद किसी तरह का कुछ प्रेशर बने, अगर ये क्वीन, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, लेकिन चेक देकर यहाँ, सॉरी चेक देकर यहाँ इस बिशप का डिफेंस हो सकता था। खैर फ्रेंड्स, खैर फ्रेंड्स, आइए गेम को ही देखते हैं, यहाँ क्वीन b7 पहले ब्लैक ने किया, और अब क्वीन a6 कनेक्शंस ऑफर होता है, तो गेम
चलिए कनेक्शंस तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ बिशप टेक्स D7 पहले नदर बेक ने किया। और फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ तक भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अब चलिए मेटल एक्सचेंज भी कुल करना ही, आर्य कृष्ण ने नाइट एक्स D7 किया। और अब मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ अपने रुक को जो कॉर्नर रखा हुआ है उसे जरूर मूव कर लेना चाहिए था, और यही तरीका था यहाँ इस गेम को आगे बढ़ाने का। लेकिन यहाँ नदर बेक से इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, वो ब्लंडर था किंग को B1 स्क्वायर पर ले जाने का। और यहाँ इस मूव के बाद हरीश कृष्ण को इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने का मौका मिला। मूव काफी सिंपल है, Qe4 चेक। और इस चेक के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि व्हाइट को अपने किंग को A5 में ही लेकर जाना होगा। और अगर ये किंग A5 स्क्वायर पर गया तो व्हाइट की क्वीन यहीं पिन हो जाएगी। और अगर यहाँ रुक को C2 स्क्वायर पर इस चेक से बचने के लिए रुक को बीच में लगा है तो क्वीन टेक्स H1 रुक जाएगा। चलिए दूसरी सिचुएशन, किंग A2 स्क्वायर पर जाता है तो रुक A8। तो फ्रेंड्स बहुत शानदार ब्लो था यहाँ इस गेम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और प्रेजेंटेशन तो बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैसल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।